हाय गाइस, मेरा नाम है नितेश और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे पिगी बैंक को। पिगी बैंक बचपन में हर बच्चे के पास होता है, जब हम छोटे थे हमारे पास भी होता था। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे इस वाले पिगी बैंक को। इस वाले प्रोडक्ट में 3 से 4 अलग अलग थीम आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपको मिल जाएगा डोरेमोन में, ये जो आप देख रहे हैं मिनियन थीम में है, इसके अलावा किटी कैट थीम में, और मैंने एक शॉप में देखा था वहाँ पर पेपा पिग थीम में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, अगर प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट प्लास्टिक का बना हुआ है। 2 से 3 बार पिछले 2 साल में नैना ने इसे गिराया है, हमने इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डैमेज नहीं देखा है। बैटरी की बात करें तो इसमें डबल ए साइज की 3 बैटरी लगती हैं। जब 2 साल पहले हमने बैटरी लगाई थी उसके बाद से अभी तक हमें बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बैटरी हमने कभी अलग से निकाल के भी नहीं रखी, तो इसमें बैटरी लीक वाली भी कोई प्रॉब्लम हमने नहीं देखी है। इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट में 100 नोट तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पैसे इसमें रखना नहीं चाहते तो बच्चे इसको प्रिटेंड प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक नंबरिंग कॉन्सेप्ट भी बच्चे इन डिजिट से आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 0000 पे पासवर्ड सेट करा है तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे 0 लिखा है और इसको 4 बार दबाने से ही ये खुलेगा, तो उसको 0 का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। सिमिलरली फिर आप बाद में 1, 2, 3 किसी पे भी ये नंबर सेट कर सकते हैं, तो नंबरिंग कॉन्सेप्ट भी बच्चों का एक क्लियर होगा। अगर बच्चे इसमें पैसे डाल के सेव करना शुरू करेंगे या अपने संभाल के रखना शुरू करेंगे तो उनमें एक मनी सेविंग की हैबिट भी डेवलप होगी, जो बाद में आने वाले टाइम में उन्हीं के काम आएगी। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट का डेमो देखते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका पासवर्ड आएगा जो होगा 4x0। जब आपने ऐसे 4x0 को प्रेस किया, आप इसे घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आप पैसे डाल सकते हैं और पैसे आपके यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब मैं आपको इसमें पैसे डाल के दिखाता हूँ एक बारी। मशीन के अंदर सेंसर लगे हैं, जैसे ही आप नोट को यहाँ अंदर इंसर्ट करेंगे नोट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। देखिए, इसके अलावा अगर आप कॉइन डालना चाहें तो आप यहाँ से कॉइन भी डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका पासवर्ड चेंज करना तो आप इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले आप इसको खोलेंगे, जब आप इसका डोर को ओपन करेंगे, डोर ओपन करने के बाद आप दबाएंगे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक दबाने के बाद कोई भी 4 डिजिट दबा दीजिए, जैसे मैं दबा रहा हूँ 1, 2, 3, 4 और उसके बाद हैश। अब आपका ये 1, 2, आप इसको दोबारा बंद करिए, ये आपका 1, 2, 3, 4 पासवर्ड जो है वो सेट हो गया है। अब अगर मैं 4x0 दबाता हूँ तो ये नहीं खोलेगा। अगर अब मैं इसमें दबाता हूँ 1, 2, 3, 4 तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए अपना जो आपने नया सेट किया है और आप चाहते हैं कि ये वापस से 0000 पे सेट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा कि आप सारी बैटरीज इसमें से निकालिए और वापस से इसको इंस्टॉल कीजिए। अब आपका पासवर्ड दोबारा से बाय डिफॉल्ट 0000 पे सेट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉय का रिव्यू करें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।